सहरसा में है, रात का 12 बज रहा है, दिखाएंगे कि रात के 12 बजे का जो नजारा है वो सहरसा जंक्शन का ये नजारा है। लोग नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस वक्त जो है वो यहाँ पे है। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे हम हैं और ओवर ब्रिज पे है। इस साइड आप देखेंगे तो इस साइड भी जो लोग हैं वो जो है नीचे में इंतजार कर रहे हैं गाड़ी का। अब यहाँ देखिए कुछ मजदूर हैं, वो कहाँ जाएंगे इनसे पहले बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ है। कहाँ जाना है आपको? मधेपुरा। कितनी देर से आप इंतजार कर रहे थे ट्रेन का? ट्रेन का कम से कम 1.5-2 घंटे से। अच्छा, अभी जानकारी मिली। अब इधर कहाँ जा रहे हैं आप? प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। देखिए और भी जो कई लोग हैं उन्हें मधेपुरा जाना है, पूर्णिया जाना है, ट्रेन समय पर नहीं रहने के कारण लोगों को परेशानी होती है। और इन चीज़ों जब हम लोगों से बातचीत किया तो उनका भी कहना है कि अगर रात में कुछ ज़्यादा ट्रेन होती। देखिए एक चाची हमें बुला रही है, बाकी लोग भी हैं, आप इनको इनसे पहले हम बात करेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मुसाफिर खाना जेबे, आराम करबे, कोई तक जेबे। कहाँ आपका कत से ली चाची? कत से ली तू? खरबटिया से। कहाँ जेबी? आराम करबे। जाना है तोरा कतो छो चाची? तोरा जाना है कतो छो? कौन जगह जेबी? उठी सुता घर में लोग सब सुतब छे। अच्छा, वतै सुतबे? तोर अपन घर के तब हेलो? तोहर अपन घर कत भेलो? अपन घर तोहर? हमर घर छे से जीवछपुर। जीवछपुर? अखन तू रात में स्टेशन पर रुकबी? हां, कल जेबे। अच्छा, टांग टूट गेल आए ना, हम छे पुजागरी आदमी। अच्छा, कनी देवंशी लोग छे। अच्छा, तो अपन कलिया घूर के कहियो आ, बाकी ने हम अतर घर घूम फिर के अपन। चाची ऐ उम्र में तू लाठी के सहारा चले छी, लोग सबके कह रही कि हमरा मुसाफिर खाना जेबे, तो की जरूरी पड़ गेलो कि रात में तू निकल गेली स्टेशन पर? बड़ी खीन से छे रसरसा आबै छे, कनी मनो खराब भ गेल। तोरा मुसाफिर तू ए रास्ता सीधा चल जो कहलियो, तू सीधा जो, तोरा हम तोरा कह रहल छी, तोरा समय गलत नहीं बोल। चल। देखिए मेरे कहने पे ये जा रही हैं, कई लोग इसको बलगला दिए, जाने का इधर तो चली गई, इधर इधर जाने का तो फिर उधर। तू चल ना हमारे साथ, चल चल, तू चल ना, तू आपको भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिले, लाचार मिले, मजबूर मिले, जो आपसे अगर पता पूछता है तो आप सही पता बताइए। अगर आप सही पता लोगों को नहीं बता सकते हैं तो गलत भी आपको बताने का अधिकार नहीं है। ऐसे में क्या होता है ना कि आदमी जो इस उम्र के आदमी हैं जिनको हम बता रहे थे कि आप इस रास्ते जाइए, तो वो काफ़ी उम्र दराज है। अगर आप उसे सही रास्ता बता देते हैं तो वो सही जगह पर पहुँच जाएंगे, अगर गलत रास्ता बता देते हैं तो वो भटक जाएगी। तो ये करना थोड़ा ठीक नहीं लगता। इसलिए अगर आप किसी की भलाई नहीं कर सकते हैं तो बुराई भी मत कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए जहाँ तक हो सके इंसान से भलाई कर सके। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।